हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू श्रीवास्तव अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, क्रोटन जो होता है बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, सभी गार्डनर्स के पास होता है। सभी लोग जो भी अपने घर को सुंदर रखना चाहते हैं वो भी क्रोटन को ज़रूर लगाते हैं। इसमें बहुत वेराइटीज़ होती हैं और बहुत ही कलरफुल पत्तियों और पत्तियों के वेरिएशन के कारण ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर प्लांट है और ये थोड़ा सा सेंसिटिव प्लांट है। तो आज हम जो बात करेंगे, इसमें जो पत्तियाँ गिरती हैं वो किन कारण से गिरती हैं और हम उनको कैसे ठीक कर सकते हैं या मिनिमाइज कर सकते हैं या उनका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है? तो आइए देखते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहला रीज़न जो इसका ये है कि जब हम प्लांट की रिपोर्टिंग करते हैं तो ये प्लांट बहुत सेंसिटिव है। जैसे ही हम रिपोर्टिंग करते हैं तो इसकी पत्तियाँ गिरना शुरू हो जाती हैं, है ना। पत्तियाँ गिर जाती हैं लेकिन पत्तियाँ नई भी आ जाती हैं, लेकिन प्लांट बहुत जल्दी शॉक में आ जाता है, ठीक है। दूसरा जो रीज़न होता है वो ये है कि हम जब इसको लाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं, जैसे हमने कमरे में से निकाल के गैलरी में रख दिया या गैलरी से उठा के कमरे में रख दिया या बगीचे में एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर दिया, तो इसकी पत्तियाँ उस जगह बदलने के कारण भी इसकी पत्तियाँ गिरने लगती हैं, ठीक है। तो अब इनको हम कैसे ठीक करेंगे? तो देखिए क्या होता है, जब हम नर्सरी से कोई भी पौधा लेकर आते हैं, जैसे लाते हैं, तो बाकी हम सबके लिए कहते हैं कि आप प्लांट लेकर आए हैं तो थोड़े दिन उसको घर में अभ्यस्त होने दीजिए, घर में एडजस्ट करने दीजिए, उसके बाद उसको आप चेंज कीजिए। लेकिन क्रोटन के लिए हम ये आपको सजेस्ट करेंगे कि आप प्लांट लाए हैं तो जल्दी से जल्दी एक दो दिन के अंदर उसे आप गमले में लगा दें। वो इसलिए क्योंकि आपको अभी मैंने बताया कि जगह बदलने से और गमला शिफ्ट करने से भी प्लांट की पत्तियाँ गिरती हैं, मतलब दो बार गिरी। एक बार नर्सरी से लेकर आए, फिर नर्सरी से ला के फिर गमले में शिफ्ट किया, दो बार हो गई ना। तो अब इसको हम कम कर सकते हैं कि नर्सरी से लाएं और उसको एक दो दिन में ही हम उसे दूसरे गमले में लगा दें। तो दो बार गिरने के बदले वो एक ही बार गिरेंगी पत्तियाँ, ठीक है ना। पत्तियाँ गिरना ये नॉर्मल है बिल्कुल, और पत्तियाँ नई आ भी जाती हैं, ब्रांचेस भी नई आ जाती हैं। अगर नर्सरी से ला के और हमने गमले में लगाने में ज़्यादा बड़ा गैप कर दिया तो फिर पत्तियाँ इसकी दो दो बार गिरेंगी। तो इस तरह ये वाली ट्रिक करके हम दो इसको मिनिमाइज़ करके एक ही बार गिराने में कर सकते हैं कन्वर्ट। तीसरा इसका जो पत्तियाँ गिरने का कारण होता है, क्या होता है फ्रेंड्स, कभी कभी इसके ऊपर ना एक तरह का इंसेक्ट या वायरस लग जाता है जो गीला गीला चिपचिपा सा होता है। अब इसमें तो दिख नहीं रहा, ये तो सब बड़े हेल्दी प्लांट हैं, है ना। वो लग जाता है और बिल्कुल पानी पानी जैसा होता है, इस टी की पत्तियों पे लग जाता है, उससे भी पत्तियाँ गिरने लगती हैं। तो क्या होता है कि उस पर जैसे नीम ऑयल का जो हमारे घरेलू नुस्खे हैं उस पर कुछ भी करो वो उन पर कुछ असर नहीं करता। तो बेस्ट होता है कि आप उतना हिस्सा ना काट के उसे फेंक दीजिए, इतना पोर्शन उसको काट के आप फेंक दीजिए, तो नीचे जो बची हुई स्टेम है उसमें से नई ब्रांचेज निकल आएंगी और आपका प्लांट पहले से ज़्यादा घना हो जाएगा और अच्छी पत्तियाँ आ जाएंगी उसमें। फोर्थ रीज़न जो पत्तियाँ गिरने का होता है, ओवर वाटरिंग। ओवर वाटरिंग में भी पत्तियाँ गिरती हैं, है ना, और अंडर वाटरिंग में भी गिरती हैं। तो ओवर वाटरिंग के लिए तो आपको क्या करना चाहिए कि प्लांट में पानी तभी दें आप जब सॉइल टच टू ड्राई हो, मिट्टी छूने में बिल्कुल सूखी लगे तभी आप उसे पानी दीजिए, है ना। क्योंकि अंडर वाटरिंग वाले प्लांट को रिकवर हम करा सकते हैं लेकिन ओवर वाटरिंग वालों को बहुत डिफ़िकल्ट होता है कराना, ठीक है। तो अंडर वाटरिंग से भी बचना है आपको और ओवर वाटरिंग से, तो बेस्ट तरीका है टच टू ड्राई, मिट्टी छू के देख लीजिए, अगर सूखी है तो आप पानी डालिए और नहीं है तो मत डालिए। क्योंकि ऊपर से अगर मिट्टी सूखी है तो भी नीचे पानी होता ही है गमले में, ऐसा नहीं कि ऊपर से सूख गई तो नीचे तक भी सूख गया। अभी देखिए मई जून तो बहुत हार्श सीज़न है, तो इसमें आपको क्या है कि दो बार पानी डालना चाहिए, ठीक है। और अभी क्या आने वाला है, जुलाई अगस्त, ये रेनी सीजन स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, बेस्ट ग्रोथ होती है प्लांट की, ठीक है ना, और सबसे अच्छी ग्रोथ इसी में होती है। तो आप इसको गमले को निकाल के बाहर रख दीजिए और उसको आप ऐसी जगह पे रखें, धूप का फिर भी ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ पे कि इसको ज़्यादा धूप ना मिले, सवेरे की एक दो घंटे की धूप मिल जाए वो काफ़ी है। वैसे बेस्ट रहता है शेड में रखना, पर ठीक है अगर नहीं रख सकते तो इतना तो हम कर ही सकते हैं। अभी जैसे मई जून का महीना है तो इस टाइम दो बार ही पानी करें डालना चाहिए हमको। तो क्या होता है कि वैसे हम लोगों का सबका ये ऐसा मिथ है कि इसको ह्यूमिडिटी, इसको प्लांट को मॉइस्चर पसंद है, मॉइस्चर नहीं, इसको ह्यूमिडिटी पसंद है, ठीक है ना। तो इसको ह्यूमिड वेदर मिलेगा तो ये बहुत अच्छा चलता रहता है। और जैसे विंटर्स का टाइम आता है, दिसंबर जनवरी का महीना, जिसमें टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है, 5-6 डिग्री तक चला जाता है, तो ऐसे टाइम में इसको क्या करना चाहिए, हमको शेड में रखना चाहिए। क्योंकि ज़्यादा ठंडे से और वो जो पाला वाला
मौसम होता है उसमें से भी इनकी सारी पत्तियां गिर जाती हैं और कई बार प्लांट मर भी जाता है। तो बेटर रहता है आप इसे शेड में रखें, और अगर शेड में रखने वाली जगह नहीं है तो आप इसके ऊपर एक बड़ा सा पॉलीथीन पहना दीजिए, उसमें दो चार छेद कर दीजिए, वो उससे भी बचे रहते हैं विंटर से भी पत्तियाँ गिरने से। और जैसे ही वो फरवरी का महीना शुरू होता है गर्म मौसम में थोड़ी गर्माहट आने लगती है और पत्तियाँ वापस आने लगती हैं। नेक्स्ट इस है कि इसे तेज़ धूप जो होती है उससे भी इसकी पत्तियाँ गिरती हैं। तो मैंने आपको दो एक बार पहले भी रिपीट किया है, फिर से कर रही हूँ कि आप इसे अगर मॉर्निंग की एक दो घंटे की धूप देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि तेज़ धूप में भी इसकी पत्तियाँ गिरने लगती हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप मेरे इन टिप्स से आपको अपनी प्लांट्स की प्रॉब्लम पहचानने में मदद मिलेगी कि आपके प्लांट में पत्तियाँ किस कारण से गिर रही हैं और उनको आप कैसे ठीक कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगले वीडियो में इसी तरह की नई जानकारी लेकर फिर आती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।